हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है टेक सेंटर में। दोस्तों, फाइनली जो है यहाँ पे Realme 8 Pro जो है वो लॉन्च हो चुका है, और ये जो है टफ कंपटीशन माना जाता है Redmi की Note 10 Pro Max के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कंपेयर करूंगा Realme 8 Pro को Redmi Note 10 Pro Max के साथ। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो टेक सेंटर। चलिए दोस्तों, बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं इस कंपेरिजन को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये दोनों फोन के प्रोसेसर के बारे में। यहाँ पे दोस्तों, आपको Realme 8 Pro में मिलता है स्नैपड्रैगन 720G, जो कि 8 नैनोमीटर प्रोसेसर बेस्ड है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो GPU है वो है एडर्नो का 618। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे Redmi Note 10 Pro Max की, तो वहाँ पे आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G, जहाँ पे दोस्तों 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, और साथ ही साथ एडर्नो 618 यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पे Redmi Note 10 का प्रोसेसर जो है वो हैवी है एज़ कम्पेयर टू Realme 8 Pro के प्रोसेसर से। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ रैम की और रोम की, तो यहाँ पे आपको 6GB 8GB रैम दोनों ही फ़ोन में देखने को मिल जाएगा, जो कि LPDDR4X रैम होगा। साथ ही साथ बात करूँ तो 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 8 Pro में UFS 2.1 का स्टोरेज है, लेकिन Note 10 Pro Max में UFS 2.2 का फ्लैश स्टोरेज है, यानी कि जो स्टोरेज है वो फास्ट काम करेगा Redmi Note 10 Pro Max के साथ। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ दोनों के स्क्रीन के बारे में, तो यहाँ पे आपको Realme में मिलेगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 6.4 इंचेस का होगा, जहाँ पे रिजोल्यूशन जो है 1080x2400 का होगा। फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, और जिसकी पीक ब्राइटनेस जो है वो 1000 निट्स की होगी। अगर मैं बात करूँ Redmi की, तो वहाँ पे आपको मिलता है 6.67 इंचेस का FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। यहाँ पे रिजोल्यूशन इसका भी सेम है 1080x2400 FHD प्लस। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पीक ब्राइटनेस की, तो यहाँ पे आपको मिलता है 1200 निट्स। साथ ही साथ यहाँ पे HDR10 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले के बारे में, तो भी Redmi Note 10 जो है थोड़ा सा आगे है एज़ कम्पेयर टू Realme 8 Pro। अगर मैं बात करूँ दोस्तों कैमरास की, तो आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि दोनों ही फ़ोन में सेम कैमरास है, यानी कि 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा एरे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि सैमसंग का HM2 सेंसर है दोनों ही स्मार्टफोन में। दोनों ही स्मार्टफोन का जो लेंस है वो है 6P लेंस, और यहाँ पे ये दोनों का अपर्चर जो है वो 1.9 है, यानी कि जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है दोनों ही स्मार्टफोन में सेम है। इसके बाद दोस्तों, मैं बात करूँ तो यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी आपको दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है, जिसमें फील्ड ऑफ व्यू जो है वो 119 डिग्री का देखने को मिल जाएगा। 5 मेगापिक्सल का सुपर मैक्रो मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा Redmi Note 10 में, वहीं 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस आपको देखने को मिल जाएगा Realme में। 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट भी Realme में देखने को मिलेगा। दोस्तों, कैमरा कंपैरिजन की बात करूँ तो दोनों ही फ़ोन के कैमरास जो है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। दोनों ही फ़ोन में 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी शूटर लगा हुआ है, जिसका जो अपर्चर है दोनों ही फ़ोन में 2.45 का है। दोस्तों, फ्रंट कैमरा भी दोनों ही फ़ोन के सेम है, इसमें भी ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी लाइफ के बारे में। दोस्तों, दोनों के बैटरी में अलग अलग एंगल से दोनों की बैटरी को डिज़ाइन किया गया। सबसे पहले बात करूँ अगर मैं Realme की, तो उन्होंने फास्ट चार्जिंग पे ज़्यादा फोकस किया है। 65 वॉट का चार्जर तो इंक्लूडेड है बॉक्स में, लेकिन 50 वॉट तक ही सुपर डार्क चार्ज सपोर्ट करता है फ़ोन। 4500 मिली एम पावर की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ वहीं पे Redmi के बारे में, तो वहाँ पे आपको मिलता है 33 वॉट का फास्ट चार्जर इन बॉक्स, जो कि सपोर्ट करता है 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग। साथ ही साथ आपको मिलेगा यहाँ पे 5020 मिली एम पावर बैटरी। तो दोस्तों, दोनों ही फ़ोन में अपने अपने फीचर्स है, एक जो है वो फास्ट चार्जिंग के लिए जाना जाएगा, और दूसरा जो है अच्छी बैटरी लाइफ के बारे में जाना जाएगा। तो दोनों ही फ़ोन जो है यहाँ पे भी साइड बाय साइड कंपेयर करें तो दोनों बराबर है। दोनों फ़ोन में दोस्तों आपको 2 नैनो कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएंगे, और 1 मैक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ सेंसर्स के बारे में, तो यहाँ पे Realme में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है इन डिस्प्ले, लेकिन आपको Redmi Note 10 में मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। दोनों ही फ़ोन में आपको लाइट सेंसर मिल जाएगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाएगा, एक्सीलरोमीटर मिल जाएगा, गायरोस्कोप भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे Redmi Note 10 में आपको ई कंपास देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा, और 360 डिग्री
फ्री एम्बिएंट लाइट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ इनबॉक्स, तो इनबॉक्स आपको चार्जर अवेलेबल होगा दोनों ही फ़ोन में। दोस्तों बात करते हैं दोनों ही फ़ोन के कलर्स के बारे में और साथ ही साथ प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे रियलमी जो है वो आता है इन्फाइनाइट ब्लू, इन्फाइनाइट ब्लैक, इल्यूमिनेटिंग येलो कलर में, और जो इसकी प्राइस है वो है 6GB 128GB के लिए 18,000 रुपीज़ और 8GB 128GB के लिए 20,000 रुपीज़। अगर मैं बात करूँ रेडमी के बारे में तो वहाँ पे आपको मिलता है डार्क नाइट, ग्लेशियल ब्लू, विंटेज ब्रोंज, और इसकी मैं अगर प्राइस की बात करूँ तो 6GB 64GB वाला वेरियंट 19,000 का है, 6GB 128GB वाला जो वेरियंट है रेडमी नोट 10 का वो है यहाँ पे 20,000 रुपीज़ का नोट 10 प्रो मैक्स का। 8GB 128GB वाला वेरिएंट जो है वो है 22,000 रुपीज़ का। दोस्तों ये था कंप्लीट कंपैरिजन जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहते हैं। आज के लिए इतने दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।